राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो है मैं अपने स्टूडेंटों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं और हमारे पास जो है एक स्पेशल गेस्ट भी हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार। ये जो है इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो चलिए इनसे हम कुछ बातें करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनसे जो है इनके क्रिकेट के बारे में कुछ पूछता हूँ। तो सर क्या आप अपने जो क्रिकेट किस तरह से आप खेलते हैं या जो नॉर्मल क्रिकेट है जो हम लोग विराट कोहली वाली टीम को देखते हैं और आपका भी क्रिकेट हम लोग देखते हैं तो इनमें इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप किस तरह से खेलते हैं और इसमें किस तरह के प्लेयर होते हैं और क्या चैलेंजेज आपके आते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले कि वो भी अपना काम जो है विपरीत परिस्थिति में कैसे वो करें। ठीक है, तो ये इसलिए मैं जो है मैं आपसे कुछ जो है सजेशन लेना चाहता हूँ या आपसे कुछ आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूंगा राकेश रोशन जी कि आप आए और एक दिव्यांग क्रिकेट होने के लिए आप आए हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिनेश कुमार सैन में 15-16 साल से अपनी दिव्यांग क्रिकेट खेल रहा हूँ और हमारी क्रिकेट और एक नॉर्मल क्रिकेटर जो आप बोल रहे विराट कोहली या धोनी उसकी क्रिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम क्रिकेट है, सेम वही रूल रेगुलेशन है, वही बैट वही बॉल सेम पूरी क्रिकेट वही है। लेकिन हमारी क्रिकेट में एक जो डिफरेंस और नॉर्मल क्रिकेट में क्या है कि विराट कोहली फुल ठीक ठाक है, फुल बॉडी है। हमारी में क्या है ना कि शरीर के कोई दिव्यांग जो वर्ड वो लगा है कि पार्ट नहीं है कि हम एक हाथ से बैटिंग करते हैं। अच्छा, पैर खराब होता है तो एक पैर से भागते हैं तो उस क्रिकेट में लेकिन वही सेम वही पोजिशन वही क्रिकेट सेम की सेम ऐसे चलती है। फर्क क्या है कि जो दिव्यांग वर्ड यूज किया गया है वो हमारा एक प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया गया है लेकिन उस दिव्यांग शब्द को प्रोत्साहन की बजाय वो हमारी कमजोरी बना दिया गया है। हाँ, उस सुविधाओं के बगैर कुछ नेगेटिव थॉट्स के कारण कि एक दिव्यांग क्रिकेटर वही क्रिकेट खेलता है जो विराट कोहली या धोनी खेलता है। बिल्कुल, फर्क क्या है कि आप एक उन क्रिकेटरों को सुविधाओं की बजाय आप उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जबकि वही सेम क्रिकेट वही रूल वही रेगुलेशन जब एक क्रिकेट में चले हुए हैं तो आप उनको भी उनके साथ लेके चलिए कि जो फैसिलिटी आज विराट कोहली या धोनी को मिलती वही एक दिव्यांग क्रिकेटर को मिले जो हमारे को नहीं मिल रही है ना तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना बीसीए की तरफ से मिलती है। मैं आपको बताऊंगा तो आप ये देखिए कि जितनी अदर कंट्रियां हैं इंग्लैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश उनके जो क्रिकेट बोर्ड है वो वहां की डिसेबल्ड क्रिकेट टीम को एफिलिएशन है। अच्छा, उनको इन्फ्लेशन है वहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे बीसीसीआई ये क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा ये अभी तक आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि आज से 30 साल पहले हमारी क्रिकेट शुरू हुई है और इसके जो जन्मदाता थे एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे आप सब उनका नाम जानते हो कि स्वर्गीय अजीत वाडेकर जी। बिल्कुल जानता हूँ, वो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं सिलेक्टर रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो वनडे टीम के पहले कैप्टन थे इंडिया के। उनकी कैप्टनशिप में इंडिया ने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। पद्मश्री हो थे अर्जुन अवार्डी हो थे इतने बड़े क्रिकेटर ने हमारे क्रिकेट को लेके आए दिव्यांग क्रिकेटरों की भावना को समझा है उसके बाद भी हमारे बीसीसीआई या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई और उन्होंने काफी प्रयास किए वाडेकर सर ने ये नहीं कि नहीं प्रयास किए वो प्रयास करते करते आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका सपोर्ट उनकी जो एक उम्मीद थी उनके जो सपने थे हम कोशिश है कि वो सपने हम पूरे कर रहे हैं। तो ये जो आज के यूथ है जो आज का यूथ जो है क्रिकेट पे काफी उनका रुझान है क्रिकेट बहुत देख रहे हैं। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज जो हम क्रिकेट देख रहे हैं उसमें केवल एक पर्टिकुलर क्रिकेट टीम जो हमारा मेन इंडियन क्रिकेट टीम है वहीं तक सीमित है। कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि जो हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम है और भी बहुत तरह के क्रिकेट टीम है उनपे बहुत ज्यादा रुझान नहीं है हमारे जो यूथ है जो जानते हैं तो जानते हैं नहीं जानते तो भी नहीं जानते हैं। ठीक है, पर मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मतलब ये है कि जो हमारे यूथ है उनको ये पता चलना चाहिए कि मुझे जैसे आपके बातों से लग रहा है कि अब मुझे आपके टीम के प्रति ज्यादा रेस्पेक्ट मेरे सामने मतलब मेरे सामने हो गया है कि मैं अब आपके टीम को ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं कि इतने चैलेंजेस हैं फिर भी आप लोग इस मैच को या इस क्रिकेट को आप लोगों ने जिंदा रखा है। ठीक है, और इसको बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी अदर फैसिलिटीज के भी आप इसको खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो
आप लोग जो है सही मायने में जो है देश के लिए बहुत ही मन से आप लोग खेल रहे हैं, और ये चीज हमारे यूथ को समझना चाहिए। तो ये मैं जो है अपने जितने भी व्यूअर्स हैं इनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी जो है सपोर्ट करें जो भी दिव्यांग क्रिकेट टीम है हमारे इंडिया के, और दिनेश जी है जो कि कैप्टन है और ये काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इनका आप देख रहे हैं ट्रॉफी, इन्होंने काफी सारा मैच खेला है, इंटरनेशनल लेवल के मैच खेले इनने, और ये बाहर भी गए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के साथ भी इनने खेला है, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट भी खेले हैं। और 2019 में भी हमारा वर्ल्ड कप आने वाला है। हमें नॉर्मल वर्ल्ड कप के बारे में तो याद रहता है, पर हो सकता है इस वर्ल्ड कप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो 2019 में जो है दिव्यांग वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है, जो इंटरनेशनल लेवल के जैसे, और ये वर्ल्ड कप बिल्कुल वही उसी तरह का वर्ल्ड कप है जैसे नॉर्मल वर्ल्ड कप होता है। तो ये मेरा हमेशा कोशिश रहता है अपने चैनल में कि मैं लोगों को इस तरह की चीजें बताऊं, और जो कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिनको बहुत आगे आना चाहिए और वो किसी कारण से बहुत आगे नहीं आए। और दूसरा मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं काफी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को अगर आप जिस तरह का मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं और आप काफी दिनों से इसमें लगे हुए हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि आप ना केवल खेल रहे हैं बल्कि इस क्रिकेट को एक पहचान देने की भी आप जो है कोशिश में लगे हुए हैं, और जैसे आपसे बात हुई उसमें कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक जो है अच्छे लेवल पे मान्यता मिले जैसे नॉर्मल क्रिकेट को है, जिससे कि आप लोग बाकी चीजें छोड़ के अपने क्रिकेट पे ध्यान दे सके। तो ये काफी एक तरह से स्ट्रगलिंग भी फेज हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे यूथ हैं जो काफी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब एक छोटी सी जॉब नहीं लगती है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, क्लास में रिजल्ट खराब हो जाता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये तो अगर मैं देखूं तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, अगर मैं बड़ी बड़ी स्ट्रगल से, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, तो हमें तो पता है, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं। पर कई बार हम देखते हैं अपने स्टूडेंटों को जो छोटा सा अगर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, एक कंपनी में जॉब नहीं लगती है तो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो जो है नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे बच्चों के लिए, कि वो बच्चे और हमारे जो है अच्छा कर सके, और उनको लगे कि नहीं ये चीज जो है हमें आगे देखना चाहिए। ऐसे राकेश जी, एक लाइफ में आपकी जब आपकी लाइफ चलती है तो उसमें ना आपका उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जो चढ़ाव में जब ऊपर आपका जाता है लेवल, तो उसमें तो सभी आपके साथ होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी आपके साथ होता है, आपका विश्वास भी आपके साथ होता है। जब नीचे डाउन अप आता है आपका, तो वहां से आपकी चीजें पता चलती है, वहीं से आपके बारे में पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप में संयम है, आप काम के प्रति कितनी आपकी सहानुभूति रखते हो, कितनी आप लगन रखते हो, वहीं से आपके बारे में पता चलता है कि हम 15 साल से दिव्यांग क्रिकेटर जो खेल रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आज के टाइम पे जो नॉर्मल क्रिकेटर होते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ रुपए मिलते हैं, और आज हम 100-200 रुपए के बीच में आज भी हम 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक लाइफ में, लेकिन हमारे दिव्यांग क्रिकेटरों को, यदि जो स्टूडेंट है आप उन क्रिकेटरों के बारे में देखोगे कि एक बाजू ना होते हुए भी, एक पैर ना होते हुए भी, वो इतनी हार नहीं मानता है, उस स्ट्रगल को देखो कि आप में एक बहुत मोटिवेशन आएगा उनको देख के, एक विश्वास करने के साथ कैसे है कि आप 100-200 रुपए के ऊपर अपना किराया लगा तक आप खेलने जाते हो। अभी हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फिजिकली चैलेंज जो एसोसिएशन है वो प्रयास कर रही है। अच्छा। लेकिन प्रयास कैसे होता है कि बीसीसीआई से जुड़ना चाहिए तो बीसीसीआई कैसे जुड़े, क्यों जो आपने अभी वुमेन्स क्रिकेट की बात की है तो वुमेन्स क्रिकेट भी जो है वो 15-20 साल से बीसीसीआई से अटैच है, लेकिन उसके बाद भी आज वुमेन्स क्रिकेट को एक वो पब्लिसिटी नहीं मिल पाई है जो नॉर्मल क्रिकेटर को मिली हुई। अच्छा, जो वुमेन वाले जो क्रिकेट टीम है वो बीसीसीआई से अटैच है। अच्छा, आप लोग नहीं है। आप ये बताइए, उसमें दो क्रिकेटर ऐसे ही हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मिताली राज बिल्कुल और झूलन गोस्वामी बिल्कुल, जो हाईएस्ट रनर है और हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन उनको आज पूछोगे तो मेरे हिसाब से उनको क्या नाम की 20% आदमी जानते होंगे, लेकिन विराट कोहली को या आज से 10 साल पुराने क्रिकेटर को लोग जानते होंगे। तो ये भेदभाव क्यों है, लेकिन फिर भी हमारे दिव्यांग क्रिकेटर अजीत वाडेकर सर ने हमारे अंदर एक प्रेरणा, एक विश्वास दिखाया, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है कि हम लगे हुए हैं।
हमारे को एक विश्वास है कि आने वाले टाइम में हमारे क्रिकेट को भी वो मान सम्मान दिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि खाली नाम बदलने से कुछ नहीं है कि आपने डिफरेंटली एबल्ड, फिजिकली चैलेंज, हैंडीकैप, डिसेबल्ड, दिव्यांग वर्ल्ड दे दिए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं बीसीसीआई और गवर्नमेंट से कि वो हमारी तरफ भी देखे। जो एक नॉर्मल क्रिकेटर इंडिया के लिए खेलना चाह रहा है वही सपना हमारा भी है, वो सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए। जो दिव्यांग क्रिकेटर का एक सपना है वो एक हम भी देश के नागरिक है तो हमारे साथ ये भेदभाव ना हो, ये मेरी गुजारिश है और वो गुजारिश माने हैं, लेकिन हम अपने काम पे लगे हुए हैं और हम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये चीजें सुन के तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ को भी समझना चाहिए या हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी, जब तक इन जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे इनको तब तक जो है हम इसको भी आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। और मेरी भी गुजारिश है बीसीसीआई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप लोग भी जरूर जो है इनके लिए कुछ करें और इसके लिए हम सब यूथ को आगे बढ़ने पड़ेंगे। और मेरा भी बिल्कुल जो है एक बेस्ट विशेष है कि आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी ही जो है साल दो साल तीन साल में जो है आप जो भी चीजें आप चाह रहे हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका खेल जब मैंने देखा, जब आपके जब आप लोग जिस तरह से खेलते हैं उसके वीडियोस हमने देखे, उसके जो है कुछ हमने यूट्यूब में देखे, कुछ हमने जो है इधर उधर से जो वीडियोस देखे, तो काफी हमें मतलब हमें महसूस हुआ कि किस तरीके से ये जो गेम है वो कोई नॉर्मल क्रिकेट से अलग नहीं है। बिल्कुल सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, सारे इंटरनेशनल रूल फॉलो हो रहे हैं बिल्कुल, और बल्कि आप भी नेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जैसे बाकी लोग हैं। तो मेरे हिसाब से सुविधा आप लोगों को मिलनी चाहिए और मेरा जो बेस्ट विशेष है कि ये मिलेगा। और यही मैं अपने स्टूडेंटों को इसके थ्रू भी थोड़ा सा मैं बताने चाहूंगा, जैसे सर ने कहा कि कॉन्फिडेंस कभी भी आपका, जब सब कुछ अच्छा चलता है, जैसे आपने बोला कि सब कुछ अच्छा चलता है तो फिर हमें कुछ नहीं पता चलती है, ठीक है, पर जब एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटी है, वो तभी पता चलती है जब हमारा सिचुएशन जो है वो ऑपोजिट होता है। यही मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जब आपका सिचुएशन ऑपोजिट होता है तो आप ये मत समझिए कि मैं जो फेल हो गया या मेरा जो है लाइफ में फेल्योर आ गया। आप ये समझ लीजिए कि वो जो सिचुएशन जब आपके पास ऑपोजिट आता है तो वो आपको इतना स्ट्रांग करके चला जाता है कि आगे के समय में अगर उससे कोई थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे सिचुएशन होता है तो आपको महसूस ही नहीं होते हैं, क्योंकि आप पहले से उस तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं। तो ये चीजें आपने, ये जो मैं आज इंटरव्यू जो सर का लिया मैंने और यहाँ पर सर से कुछ जानने की हमने जो कोशिश की कि कॉन्फिडेंस में हमारा ऑपोजिट, जब हमारा काम ऑपोजिट हो रहा होगा, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जाम दिया, बहुत मेहनत किया मैंने, किसी जॉब का इंटरव्यू बहुत मेहनत करके दिया पर मैं उसमें नहीं सेलेक्ट हो पाया, तो हमारा कॉन्फिडेंस उसी समय जज होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस क्या है। तो उस टाइम अगर हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सही रख पाए और उस टाइम अगर अपने मोटिवेशन लेवल को हमने सही रख पाया तो हमें जो है अपने लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो जैसे सर ने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मेरे हिसाब से जो है इस तरह के जो आपने बातें कहे, कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कहे जिसको मैं गोल्डन वर्ड्स भी बोल सकता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, वो डेफिनेटली जो है मेरे स्टूडेंट्स या जो मेरे फॉलोअर्स है वो आपको फॉलो करेंगे, और वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं और उनके सामने काफी इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, क्योंकि लगभग आपको भी पता है जो आईटी फील्ड है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के हैं और आपको भी पता है कंप्यूटर साइंस में सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, लगभग लोग जो है प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट में कई बार इंटरव्यू देते हैं उनका नहीं सिलेक्शन होता है, कई बार जॉब में चले जाते हैं उनका प्रमोशन सही टाइम में नहीं होता है, ठीक है, कई बार जो है उनकी उनको 10 साल नौकरी की है फिर जॉब से जो है कई बार जाना पड़ता है अगर कंपनी के रिसेशन आ गए, मार्केट डाउन हो गया, तो कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं। तो इस सिचुएशन को आपने जितने अच्छे तरीके से आपने बच्चों को बताया, जो सजेस्ट किया कि आई होप कि हमारे बच्चे को इन चीजों का काफी बेनिफिट होगा। और आगे मैं जो है दिनेश जी ने जो भी जो अभी तक हासिल किया है वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इनने जो है कौन कौन से जो है अभी तक ट्रॉफी जीते हैं और कितने सारे इनके ट्रॉफी हैं और इनका जो रूम है वो किस तरीके से इनने सजा रखा है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक टूर करते हैं, आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि ये जो ट्रॉफी है ये कहाँ कहाँ, क्योंकि आप ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे टेबल में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रॉफी रखे हुए हैं, नॉर्थ जोन था
2018 में पिछले साल तो विनर थी हमारी हरियाणा की टीम। अच्छा, अभी कैप्टन था तो नॉर्थ जोन विनर की टीम ट्रॉफी है मेरी। और अभी ये हमारी एक नॉर्मल प्लेयरों के साथ हमारा टूर्नामेंट था। अच्छा, वहाँ भी हमारी टीम विनर थी। तो आप तो मतलब ये जो जोन लेवल पे आप ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं। हाँ, जो क्रिकेट हाँ, का जो वो हाँ, है बिल्कुल, ताकि प्रमोशन तो करना पड़ता है अपने। हाँ नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सा ट्रॉफी दिख रहा है। हाँ, तो ये मैं जानना चाहूंगा क्या है ये? इंडियन आइडल अवार्ड है जो एक फेडरेशन ने मेरे को दिया था। अच्छा, ये के, मतलब हाँ, आपको स्पेशल अवार्ड दिया गया? अवार्ड दिया गया बिल्कुल, लिखा हुआ है देखिए, प्रेजेंटेड टू दिनेश सेन, और ये फोटो जो है दीनदयाल उपाध्याय जी का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे ट्रॉफी दिखाना तो हमको लगता है कि अभी ये मैं अहमदाबाद में था तो मैं बेस्ट बॉलर था वहाँ पे इंडिया की। अच्छा, अच्छा। में थी तो उसमें जो इंडिया के टॉप प्लेयर थे। अच्छा, तो उसमें तो उसमें बेस्ट बॉलर था अभी। ओके, अभी था ये तो दिसंबर में ही था हमारा। तो ये हमारा वाराणसी हम खेल के आए थे, प्रधानमंत्री का जो अपना एमपी का उनका वो है। अच्छा, तो वहां से थी ये। बाकी ट्रॉफी है ऐसी, ये मुंबई से है, ये नागपुर से है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रॉफी हैं। अगर मैं एक एक का अगर एक्सप्लेन सर से लेता रहूं तो मुझे लगता है कि जो है काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप देख लीजिए कि कितने सारे ट्रॉफी रखे हुए हैं, और इसमें से नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी ट्रॉफी है, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर देखें, इनने जो है अपना कुछ फोटो भी लगा रखा है, ठीक है, काफी। ये बांग्लादेश टूर की है फोटो, ये बांग्लादेश टूर की है। ये शायद हमको लग रहा है बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर है। देखिए उनके सामने जो है दिनेश जी है, और ये बहुत सारे अचीवमेंट इनने हासिल किया है। यहाँ पर कुछ ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो आई थॉट कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सेम इंडिया का वही उसी तरीके का जर्सी है जैसे हमारे नॉर्मल क्रिकेटर पहनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इंडियन टीम के तरफ से बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और यहाँ पर और भी चीजें आपको दिखा रहा हूं मैं, ये इनका कुछ कलेक्शंस है फोटो का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे टीम के साथ है, अजीत वाडेकर जी के साथ इनका फोटो है। आप देख रहे हैं कौन है आपके कोच? हाँ, तो ये आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, उन्मुख, अच्छा, नीतीश राणा, और भी बहुत सारे रणजी ट्रॉफी तो बहुत, आईपीएल बहुत प्लेयर है सर के, बहुत काफी स्टूडेंट ऐसे निकाले कि इंडिया रणजी ट्रॉफी आईपीएल खेल रहे हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये सर के कोच है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और भी जगह के कुछ कुछ फोटो है। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज जी, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा के, हरियाणा के। अच्छा, तो ये जो है काफी सर का जो है काफी अच्छा अचीवमेंट है, और काफी कुछ इनने अपने क्रिकेट के लिए किया है। तो इधर अगर आप देखें तो जैसे हम सभी के रोल मॉडल सचिन जी हैं, उसी तरह दिनेश जी के भी कोई अलग रोल मॉडल नहीं है, बल्कि सचिन तेंदुलकर ही दिनेश जी के भी रोल मॉडल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सचिन जी का जो है बचपन का फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये कितने बड़े फैन हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और वो सचिन का फैन ना हो तो ऐसा हो भी नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनका जर्सी है जो इनके इंडियन क्रिकेट टीम का है, और पीछे इनका नाम भी लिखा हुआ है, नंबर एक है इनका। तो ये बहुत सारे इनके सर्टिफिकेट्स हैं जो ये दिखा रहे हैं, और ये हालांकि सारे सर्टिफिकेट आपको मैं इस तरह से नहीं दिखा सकता, बट ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो इनने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनने खेला है। तो काफी चीज जो है इनने किया है और क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो दिनेश जी, ये काफी जो आपने अपने रूम का भी पूरा टूर कराया और काफी सारे आपने ट्रॉफी जो है हमें दिखाए, तो ये मुझे भी अपने आप में बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आज जो है मैं इतने बड़े क्रिकेटर के सामने जो है बैठा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के सामने मैं बैठा हूं, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो इस वीडियो का जो सबसे यूनिक बात यह है कि ये मेरे चैनल का सबसे पहला इंटरव्यू है, ये मेरे चैनल का सबसे पहला इंटरव्यू। अभी तक तो मैं ही बोलता था, बाकी लोग सुनते थे, ठीक है, तो मैं इंटरव्यू अभी तक नहीं लिया था किसी का भी। और मैं यहाँ पर जब आ भी रहा था दिल्ली से, बिल्कुल ड्राइव करते हुए जब मैं यहाँ पहुंचा, तो मुझे बड़ा ही अंदर से फील हो रहा था। मैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि मैं जो है दिनेश सर से क्या पूछूंगा, क्या उनसे बात होगी, वो किस तरीके से जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ आके तो बिल्कुल मुझे बहुत ही लाइट मोड लगा,
ठीक है, जिस तरह से जो है मुझे तो ऐसा लगा कि मैं आपके घर में जो है काफी दिनों से आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं आज पहली बार आपके घर में आया हूँ। हालांकि मैं बता दूं कि मैं पूरी फैमिली के साथ सर के घर में आया हुआ हूँ और मेरे बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, और जो है मैं सर के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब आपने मतलब कि एक अपने क्रिकेट की दुनिया के लिए मतलब कि अमेजिंग काम किया आपने, ठीक है। क्योंकि मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो अगर ये मान्यता आपको मिलता है एक दो साल के अंदर, तो जितना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मुझे लगता है आगे जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए जो है आप अपना पूरा टाइम लगा रहे हैं और खेल भी रहे हैं साथ में, तो ये बहुत बड़ी एक सोच है। क्योंकि ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें जो है केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे के बारे में भी और आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो थैंक यू दिनेश जी कि आप जो है आपने मुझे टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मैं आपको और बोलता हूँ कि आपने एक दिव्यांग क्रिकेट को अपने के लिए आपने इतना टाइम निकाला और आप आए और घर पे आप आए, और मैं यही चाहूंगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे इस क्रिकेट को देखें समझें और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि वो दिव्यांग क्रिकेटरों को भी उनका वो समर्थन, उनका वो हौसला बढ़ सके और उनको जो उनका हक है वो मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही सेम चीज मैं भी इससे पहले भी आप लोगों को बोल रहा था कि आप इनके क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए। क्रिकेट तो आपको अच्छा लगता ही है, 90% यूथ को आज के डेट में लोग क्रिकेट देखते हैं, पर क्रिकेट के हरेक फॉर्मेट को आप देखें, केवल एक ही या हरेक तरह के टीम को देखें, एक ही तरह के टीम को आप ना देखें, उनको भी देखें, वो भी हमारे लिए जो है एक रोल मॉडल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, सचिन जी भी मेरे लिए रोल मॉडल हैं, विराट कोहली भी मेरे लिए रोल मॉडल है, वो इनके भी रोल मॉडल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये भी जो सीख रहे हैं क्रिकेट, वो भी इनको ही देख के इनने सीखा है, ठीक है। बट जो एज ए नेशनल टीम या इंडियन क्रिकेट टीम ये भी है, तो इनको भी वही जो वैल्यू या इनको भी वही हक मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है इस चीज को थोड़ा ज्यादा सा जोर दे रहा हूँ, ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, और मेरी भी जो है अपने तरफ से जो है रिक्वेस्ट है बीसीसीआई और जो भी संस्था है जो कि इनको मदद कर सकते हैं या जो इनको एफिलेट कर सकते हैं वो करें, ताकि इनको मान्यता जो है जल्दी से जल्दी मिले। हालांकि मान्यता तो है, लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये अगर जाके बांग्लादेश में खेल रहे हैं, अफगानिस्तान में खेल रहे हैं, तो मान्यता तो इनका ऑलरेडी है, ठीक है। बट एक होता है कि एक फॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो अगर मिल जाए तो वो जो है उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो चलिए दिनेश जी, आप जो है मेरे साथ बात की, इसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है, और आपने जो है अपना टाइम दिया। और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर में आके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आपके घर में आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू चल रहा है वो दिनेश जी के घर में चल रहा है और दिनेश जी के रूम में चल रहा है, तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इनके घर में और इनके रूम में मुझे एंटर करने का मौका मिला। थैंक यू।